प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को शहर के इतवारी बाजार स्थित श्रीराम तेल भंडार का निरीक्षण किया। खाद्य विभाग की टीम ने दुकानदार से 1 लीटर और 5 लीटर पैकिंग, जिस पर ना तो बैच नंबर था और ना ही पैकिंग डेट थी। खाद्य विभाग की टीम ने दुकान से 184 लीटर सोयाबीन तेल जब्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य 25,760 के लगभग है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य विश्लेषण की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विधि अनुसार अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। जांच दल में पुरुषोत्तम पंकज कुमार घोगारी, कमलेश दियावर, कुपेश मिश्रा उपस्थित थे। हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि मार्केट में कई डुप्लीकेट ब्रांड जो है उनका तेल बेचा जा रहा है, जिसमें ना पैकिंग डेट होती है, ना बैच नंबर होता है, ना ही मैन्युफैक्चरर का प्रॉपर एड्रेस होता है पैकर्स का। और इस कारण जो है कलेक्टर साहब के निर्देशन में और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीसी चौरसिया के निर्देशानुसार हम लोगों ने टीम गठित करके कल गांधीगंज में राधारमन ट्रेडर्स पर कार्रवाई की है और आज हम यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं श्रीराम तेल भंडार पर। और यहाँ पर जो तेल पाया गया है वो शिकायत अनुसार ही है, जिस प्रकार की शिकायत थी हमने पूरा तेल जो है जब्त कर लिया है और इनके जो है नमूने लेकर हम राज्य खाद्य प्रयोगशाला भिजवा रहे हैं। जांच के उपरांत जो है विधि अनुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और संबंधित को अभी जो है धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया जा रहा है। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।